साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। साथियों, आज मन की बात में मैंने इन युवा विजेताओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। ये सभी इस समय फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्ते साथियों, मन की बात में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? हम ठीक है सर। अच्छा साथियों, मन की बात के जरिए देशवासी आप सभी के एक्सपीरियंसेस जानने को बहुत उत्सुक है। मैं शुरुआत करता हूं आदित्य और सिद्धार्थ से। आप लोग पुणे में हैं, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूं। ओलंपियाड के दौरान आपने जो अनुभव किया उसे हम सभी के साथ शेयर कीजिए। मुझे मैथ्स में छोटे से इंटरेस्ट था। मुझे फिफ्थ स्टैंडर्ड में अंतकर सर के टीचर ने सिखाया था, उन्होंने मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट बनाया था। मैं कुछ सीखना मिला और मुझे करने का अपॉर्चुनिटी मिला था। आपके साथी का क्या कहना है? मैं सिद्धार्थ हूँ, मैं पुणे से हूँ, मैं भी क्लास 12 पास किया हूँ। ये मेरा सेकेंड टाइम था IMO में। मुझे भी छोटे से बहुत इंटरेस्ट था मैथ्स में और आदित्य के साथ जब मैं 6 में था एम प्रकाश सर ने हम दोनों को ट्रेन किया था और बहुत हेल्प हुआ था हमको। और अभी मैं कॉलेज के लिए CMI जा रहा हूँ और मैथ्स एंड CS परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताया गया है कि अर्जुन इस समय गांधीनगर में है और कनव तो ग्रेटर नोएडा के ही है। अर्जुन और कनव, हमने ओलंपियाड को लेकर जो चर्चा की, लेकिन आप दोनों हमें अपनी तैयारी से जुड़ा कोई विषय और कोई विशेष अनुभव अगर बताएंगे तो हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा। नमस्ते सर, जय हिंद। मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। जय हिंद अर्जुन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी मदर श्रीमती आशा गुप्ता फिजिक्स की प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मेरे फादर श्री अमित गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जब एक परिवार में कोई सदस्य एक ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा होता है तो केवल उस सदस्य का संघर्ष नहीं होता, पूरे परिवार का संघर्ष होता है। एसेंशियली हमारे पास जो हमारा पेपर होता है उसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स के लिए 4.5 घंटे होते हैं, तो एक प्रॉब्लम के लिए 1.5 घंटा। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय होता है। तो हमें घर पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें प्रॉब्लम्स के साथ घंटों लगाने पड़ते हैं, कभी कभार तो एक एक प्रॉब्लम के साथ एक दिन या यहाँ तक कि 3 दिन भी लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन प्रॉब्लम्स ढूंढनी होती हैं, हम पिछले साल की प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, और ऐसे जैसे हम धीरे धीरे मेहनत करते जाते हैं उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, जो ना कि हमें मैथमेटिक्स में बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में मदद करती है। अच्छा, मुझे कनव बता सकते हैं कि कोई विशेष अनुभव हो इस सारी तैयारी में, कोई खास जो हमारे नौजवान साथियों को बड़ा अच्छा लगे जान करके? मेरा नाम कनव तलवार है, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैथ्स मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मुझे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद है। बचपन में मेरे पिता मुझे पजल्स कराते थे जिससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने ओलंपियाड की तैयारी 7th क्लास से शुरू की थी।
इसमें मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया। ये ओलंपियाड HPSC कंडक्ट कराता है और ये एक 5-स्टेज प्रोसेस होता है। पिछले साल मेरा टीम में नहीं हुआ था और मैं काफ़ी करीब था और ना होने पर बहुत दुखी था। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, और सफ़र मायने रखता है, सफलता नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव, सफ़र मायने रखता है, सफलता नहीं। और हमें सक्सेस मिलते रहेगा अगर हम अपने सब्जेक्ट से प्यार करें और जर्नी को एंजॉय करें। तो कहना आप तो मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हो और बोलते हैं ऐसे जैसे आपको साहित्य में भी रुचि है। जी सर, मैं बचपन में डिबेट्स और ओरेटिंग भी करता था। अच्छा, अब आइए हम आनंदो से बात करते हैं। आनंदो, आप अभी गुवाहाटी में हैं और आपका साथी रुशील आप मुंबई में हैं। मेरे आप दोनों से एक क्वेश्चन है। देखिए, मैं परीक्षा पे चर्चा तो करता ही रहता हूँ और परीक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी मैं स्टूडेंट से संवाद करता रहता हूँ। बहुत से छात्रों को मैथ से इतना डर लगता है, नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। आप बताइए कि मैथ से दोस्ती कैसे की जाए? सर, मैं रुशल माथुर हूँ। जब हम छोटे होते हैं और हम पहली बार एडिशन सीखते हैं, हमें कैरी फॉरवर्ड समझाया जाता है, पर हमें कभी ये समझाया नहीं जाता कि कैरी फॉरवर्ड होता क्यों है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, हम ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता कहाँ से। मेरा मानना ये है कि मैथ्स एक्चुअली एक सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कला है, और इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर हम सब मैथमेटिक्स में एक नया क्वेश्चन जोड़ दें, तो ये क्वेश्चन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों होता है। आई थिंक इससे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है लोगों का, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम समझ नहीं पाते उससे हमें डर लगने लगता है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि मैथ्स सब सोचते हैं एक बहुत लॉजिकल सा सब्जेक्ट है, पर इसके अलावा मैथ्स में बहुत क्रिएटिविटी भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस सोच पाते हैं जो ओलंपियाड्स में बहुत यूजफुल होते हैं, और इसलिए मैथ ओलंपियाड्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रेलेवेंस है मैथ्स के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। आनंद तो कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते पीएम जी, मैं आनंद खेड़ा गुवाहाटी से। मैं भी अभी 12वीं कक्षा पास किया हूँ, यहाँ के लोकल ओलंपियाड में 6th और 7th में करता था, वहाँ से ही हुई। ये मेरी दूसरी IMO थी, दोनों IMO बहुत अच्छे लगे। मैं रुशिल जो कहा उससे मैं सहमत हूँ, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन्हें मैथ से डर है उन्हें धैर्य की बहुत जरूरत है। कि हमें मैथ्स जैसे पढ़ाया जाता है, क्या होता है, एक फार्मूला दिया जाता है, वो रटा जाता है, फिर उस फार्मूला से ही 100 सवाल ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन फार्मूला समझे कि नहीं वो नहीं देखा जाता। सिर्फ सवाल करती जाओ, फार्मूला भी रटा जाएगा, और एग्जाम में अगर फार्मूला भूल गया तो क्या करेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि फार्मूला को समझो, जो रुशिल कहा था, धैर्य से देखो, अगर फार्मूला ठीक से समझे तो 100 सवाल नहीं करने पड़ेंगे, 1-2 सवाल से ही हो जाएंगे, और मैथ्स को डरना भी नहीं है। आदित्य और सिद्धार्थ, आप जब शुरू में बात कर रहे थे तब ठीक से बात हो नहीं पाई, अब इन सारे साथियों को सुनने के बाद आपको भी जरूर लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते होंगे, क्या आप अपने अनुभव अच्छे ढंग से शेयर कर सकते हैं? बहुत सारे दूसरे देशों से इंटरेक्ट किया था, बहुत सारे कल्चर्स थे, और बहुत अच्छा था दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के, और बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियंस थे। हाँ आदित्य, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, उधर हमें उन्होंने पार्क सिटी को घुमा के दिखाया था, उधर बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिखे थे और पार्क्स लिखे गए थे, और हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी लिखे गए थे, तो वो बहुत अच्छे अनुभव था। चलिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस प्रकार के खेल के लिए काफ़ी फोकस एक्टिविटी करनी पड़ती है, दिमाग खपा देना पड़ता है, और परिवार के लोग भी कभी कभी तंग आते हैं, ये क्या गुणा भाग करता रहता है। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपने देश का मान बढ़ाया, नाम बढ़ाया है, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर। जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट से बात करके आनंद आ गया। मन की बात से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मैथ्स के इन युवा महारथियों को सुनने के बाद दूसरे युवाओं को मैथ्स को एंजॉय करने की प्रेरणा मिलेगी।